अगर कल्पना कीजिए, कल आपका भाई बिहार में डिप्टी सीएम बन जाता है, आपके गठबंधन का सरकार बनता है, तो सरकार में आपका अधिकार होगा। वो लोग को कभी अच्छा नहीं लगेगा जो लोग आपके बाप दादा को अपने पैरों तले दबा के रखा था, गुलाम बना के रखा था, लोगों को कुर्सी पे बैठने का कोई जगह नहीं दिया जाता था। ऐसा समाज पहले था, ऐसा समय था। लेकिन आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने हम लोगों को कुर्सी पे बैठने का मौका दिया है। चंपारण के धरती पे ज्यादा से ज्यादा विधायक बनाएंगे, सब पूरे बिहार में निकलेंगे, तमाम एक एक युवा रोड पे अपनी शक्ति प्रदर्शन करेगा, कि वो बताए गए बिहार को कि हम निषाद एक है और मजबूती से जीत के लिए खड़ा है। साथियों, जब तक राज्य में चुनाव का आचार संहिता नहीं लगेगा, तब तक हमारे संगठन का मजबूती से पूरे राज्य में हम काम करते रहेंगे। इसलिए साथियों, ये जो सर्व चुनाव होगा, ये निषाद समाज का वजूद की लड़ाई होगा। साथियों, इस चुनाव में आपकी पार्टी का दावेदारी है कि डिप्टी सीएम हमारी पार्टी को मिले और निश्चित तौर पे आपकी सरकार बनेगा, तो बिहार में पहली बार एक निषाद का बेटा डिप्टी सीएम बनेगा, ये आपकी पार्टी का उपलब्धि होगा। साथियों, हम दर्जनों विधायक बनाएंगे और खास करके चंपारण के धरती पे ज्यादा से ज्यादा विधायक बनाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि चंपारण में महागठबंधन का ज्यादातर सीट धारा हुआ है, तो इसलिए अगर आपको गठबंधन में सीट मिलेगा तो मैक्सिमम सीट आपको चंपारण में मिलेगा। ये आपको और हमको ये गुलामी की जंजीरों को तोड़कर अपने आने वाला पीढ़ी के लिए कुछ करना है तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। साथियों, संघर्ष करना पड़ेगा। ये देश की आजादी दिलाने के लिए आपके हमारे पूर्वज ने पौने 200 साल अंग्रेज से लड़ाई लड़ा, तब जाके देश आजादी हुआ। साथियों, आज बिहार के राजनीति में वीआईपी पार्टी को बताना नहीं पड़ेगा कि हमारी ताकत क्या है। पूरे बिहार नहीं, पूरे देश को पता है कि हमारी ताकत क्या है। आपके कमजोर करने के लिए लोग तरह तरह के षड्यंत्र रच रहे हैं, लेकिन वो उनका काम है, वो उसमें सफल हो रहे हैं। लेकिन आप क्या चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि गुलामी की जंजीरों जिए? वो लोग को कभी अच्छा नहीं लगेगा जो लोग आपके बाप दादा को अपने पैरों तले दबा के रखा था, गुलाम बना के रखा था। वो नहीं देखना चाहता है कि एक मलाह का बेटा भी मंत्री बने या विधायक बने या बिहार में डिप्टी सीएम बने, वो नहीं चाहता है। वो चाहता है कि आपके बाप दादा ने गुलामी किया और आप भी गुलामी करी कीजिए, वो वही चाहता है। आपने देखा, हमने संघर्ष करके चार विधायक बना, हमारे सहयोग से बिहार में सरकार बना। अगर हम समर्थन नहीं देते तो बिहार में नीतीश कुमार नहीं बनता, ये हमारी ताकत था। उसके बाद उन्होंने, जब हम आरक्षण की बात करते, अपने अधिकार की बात करते हैं, तो उन्होंने हमें सरकार से बाहर कर दिया, उस मंत्रिमंडल से जो मंत्रिमंडल हमने गठन करवाया था। वो नहीं चाहता कि ये समाज आगे बढ़े, देख रहा है कि अति पिछड़ा का बेटा कल तक बम्बई से आकर बिहार में तहलका मचा के अपनी जगह बना लिया है। सिर्फ जगह ही नहीं बना, बिहार में सरकार बना लिया, सरकार का पार्टनर हो चुका है। इसको रोको, अगर नहीं रोकोगे तो आने वाला समय में बिहार का सीएम बन जाएगा। लोग चप्पल पहन के किसी के दरवाजे पे नहीं जाता था, लोगों को कुर्सी पे बैठने का कोई जगह नहीं दिया जाता था। ऐसा समाज पहले था, ऐसा समय था। लेकिन आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने हम लोगों को कुर्सी पे बैठने का मौका दिया है। वो बताया कि अगर आपके पास वोट है तो अपने वोट के दम पर राज्य में मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री आप बन सकते हो। और आज वही है, चाहे मुलायम सिंह यादव जी हो, बहन मायावती हो, या नीतीश कुमार जी हो, या लालू प्रसाद यादव जी हो, या मुकेश सहनी हो, अपने वोट के दम पर बड़े से बड़े अहदे पे जा सकता है। साथियों, क्या हम मंत्री बने का पैसे पे नहीं, अपने वोट के दम पे बने। आपने कहा कि संगत मल्ला आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है, तब जाके हम मंत्री बने। हमारी पार्टी था तब बने। आपने देखा कि हमारी पार्टी में बहुत सारे लोग चुनाव हार गए, हम भी चुनाव हार गए। अगर कल्पना कीजिए, कल आपका भाई बिहार में डिप्टी सीएम बन जाता है, आपके गठबंधन का सरकार बनता है, तो सरकार में आपका अधिकार होगा, और जो अधिकार आपका कोई दूसरे लोग छीन के रखता है, वो अधिकार आपको मिले।